नमस्कार, वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। हरियाणा चुनाव में लगभग 2 हफ्ते ही रह गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। हर पार्टी चुनाव में अपना पूरा दम झोंक रही है। वहीं बीजेपी भी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के प्रचार की कामना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन विकास यात्रा के बाद अब चुनाव प्रचार में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरने वाले हैं। पीएम मोदी हरियाणा में 4 रैलियां करने वाले हैं। पीएम मोदी 14 अक्टूबर को बल्लभगढ़ में रैली करेंगे। इसके बाद 15 को कुरुक्षेत्र और दादरी में पीएम की सभा होगी। 18 अक्टूबर को पीएम हिसार में लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले हरियाणा के रोहतक में सीएम खट्टर की जन विकास यात्रा का समापन किया था, जहां से उन्होंने बीजेपी के चुनाव प्रचार का बिगुल फूका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी इस बार हरियाणा चुनाव में पूरा दमखम दिखाने वाले हैं। अमित शाह 2 दौर में हरियाणा के अलग अलग शहरों में रैलियां करेंगे। 9 अक्टूबर को अमित शाह कैथल, बरवाला, भिवंडी और रोहतक जाएंगे। इसके बाद 14 अक्टूबर को फतेहाबाद, जींद, पंचकुला, कालका, करनाल, गुरुग्राम और झज्जर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा योगी आदित्यनाथ भी हरियाणा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। 11 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ कालका, नारायणगढ़, जींद और सोनीपत में रैलियां करेंगे। वहीं अब इस दावे को हकीकत में बदलने के लिए भाजपा ने स्टार कैंपस की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सहित कुल 40 लोगों के नाम हैं। इस लिस्ट के अनुसार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बीएल संतोष, अनिल जैन, थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, मनोहर लाल खट्टर, सुभाष बराला, सुरेश भट्ट, शहनवाज हुसैन और तरुण चुग हरियाणा में भाजपा के स्टार कैंपटर्स हैं। ये लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपकी सेवाएं, आपके उत्पाद, गुणवत्ता और योजनाओं के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठान या हो कोई संस्थान, जुड़े जनता से वैश्य व्यापार के साथ, संपर्क करें वैश्य व्यापार के साथ। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मुंबई, कांदिवली, पश्चिम भाजपा, शिवसेना और पीआई महायुति 4 को विधानसभा के उम्मीदवार योगेश सागर का चुनाव प्रचार रैली छत्रपति शिवाजी राजे कॉम्प्लेक्स न्यू मादा होते भूमि पार्क में संपन्न हुआ। रैली में हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिक और भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।